पद्मनाभ मंदिर। इस मंदिर के बारे में आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम के मध्य में स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। का विशाल किले की तरह दिखने वाला यह मंदिर भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के प्रथम दिन हुई थी। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने की भारी भरकम आभूषणों से किया गया है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। कुछ साल पहले विष्णु जी के इस मंदिर में 5 तहखानों में से 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति का पता चला है। आज भी इस अकुत संपत्ति की देखभाल त्रावणकोर राज परिवार करता है। इस मंदिर में पुरुष केवल धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। अन्य किसी भी लिबास में प्रवेश वर्जित है। कई एकड़ में फैले मंदिर में महीन कारीगरी का भी कमाल देखने को मिलता है। मंदिर के बाहर पवित्र सरोवर है जिसे पद्मनाभ तीर्थ कहते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के खजाने के खास रहस्य जो आप नहीं जानते। नंबर 1, सन 2011 में अनुमानित 500,000 करोड़ के खजाने का पता चला। मंदिर में 500,000 करोड़ का खजाना है जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगी। नंबर 2, सन 2011 में केक की निगरानी में मंदिर से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का मूल्य खजाना निकाला गया था। यह खजाना त्रावणकोर के महाराजा का बताया जाता है। नंबर 3, तहखाने से पाए गए खजाने में से कुछ तहखानों को खोलकर देखने की मनाही थी क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों को किसी अनहोनी घटना और अशुभ होने का डर था। नंबर 4, मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर में गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। नंबर 5, इस मंदिर के जब वे आखिरी चैम्बर बी पर पहुँचे तो वह उसे खोलने में नाकाम हो गए। वहाँ 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा लोहे के डंडों से बना है, दूसरा लकड़ी से और अंतिम दरवाज़ा लोहे का बना है। बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाक बने हैं और वहाँ चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है, उसे कहते हैं अष्टनाग मंत्र। मगर वो मंत्र क्या है यह कोई नहीं जानता। वह चैम्बर एक अनोखे सांप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। 17 जुलाई सन 2011 में पहले 5 कक्षों को खोलने के बाद टीपी सुंदर राजन यानी वो शख्स जिन्होंने इन दरवाजों को खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दी थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर प्रशासन ने यह चेतावनी जारी कर दी कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खुलवाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चैम्बर बी के दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार या कि प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया के हैरान रह सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता है जो सीधे पाताल लोक में जाया जा सके? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।